स्वामी श्री प्रभुपाद की 150वीं जन्मोत्सव में शामिल हुए प्रधानमंत्री, सिक्का और डाक टिकट किया जारी, बोले भव्य राम मंदिर का सपना हुआ पूरा। कांग्रेस को घेरने के लिए सदन में सरकार लाई यूपीए शासन के 10 साल का श्वेत पत्र, केंद्र सरकार के खिलाफ कांग्रेस ने जारी किया ब्लैक पेपर। ईडी के एक्शन पर बोले सीएम केजरीवाल, विपक्षी पार्टियों को किया जा रहा परेशान, अगर हम केंद्र में और आप राज्य में आ गए तो क्या होगा। दिल्ली दौरे पर बिहार के सीएम नीतीश कुमार, लालकृष्ण आडवाणी से की मुलाकात, बोले मेरा आडवाणी जी से पुराना रिश्ता। यूपी के किसानों का दिल्ली कूट से नोएडा में जबरदस्त ट्रैफिक जाम, महामाया फ्लाईओवर की ओर बढ़ रहे किसान, पुलिस ने जारी की एडवाइजरी। व्हाइट पेपर वर्सेस ब्लैक पेपर। नमस्कार, मैं आपके साथ केके राणा, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। सरकार के व्हाइट पेपर और कांग्रेस का ब्लैक पेपर के आरोप प्रत्यारोप के बीच देश की सियासत में भूचाल आ गया। सियासत की सरगर्मी इतनी बढ़ गई कि सदन मानो अखाड़ा बन गया हो। पीएम मोदी ने ब्लैक पेपर अभियान को लेकर तंज कसते हुए कहा कि 10 सालों में देश समृद्धि के नए शिखर छू रहा है, इसको नजर न लगे इसलिए काला टीका करने का आज प्रयास हुआ। वहीं कांग्रेस का कहना है कि ब्लैक पेपर हम इसलिए निकाल रहे हैं क्योंकि बीजेपी हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बात रखते हैं और अपनी विफलता को छिपाते हैं। इसी मसले पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। संसद के दोनों सदनों में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव के जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने कांग्रेस और विपक्ष पर कड़ा वार किया। इस कड़ी में अब सरकार ने श्वेत पत्र भी जारी किया। इस श्वेत पत्र के जरिए मोदी सरकार कांग्रेस की तरफ से लग रहे आर्थिक बदहाली के आरोपों का जवाब दिया। लेकिन कांग्रेस भी कहां पीछे रहने वाली, उसने तो पहले ही अपना चक्रव्यूह रच दिया था। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर जारी करते हुए कहा कि हम केंद्र सरकार के खिलाफ ब्लैक पेपर निकाल रहे हैं क्योंकि वे हमेशा सदन में अपनी कामयाबी की बात रखते हैं और अपनी विफलता छिपाते हैं। इस ब्लैक पेपर में हमारे मुख्य मुद्दे बेरोजगारी है, जो देश का सबसे बड़ा मुद्दा है, और बीजेपी इस बारे में कभी बात नहीं करती। कहते हैं ना, आरोप लगाना बड़ा आसान है, लेकिन मल्लिकार्जुन खड़गे शायद भूल गए जिन जिन राज्यों में उनकी सरकार है उस राज्य में कितने बेरोजगार आत्महत्या कर रहे हैं। ये विपक्ष का हंगामा खत्म क्यों नहीं हो रहा है? सत्ता के लोभियों की भूख मिट क्यों नहीं रही है? सोने के सिंहासन पर बैठकर चांदी की थाली में खाना खाने वालों को गरीब की झोली का भूख दिख क्यों नहीं रहा? क्या सत्ता के लोभ ने इन्हें इतना अंधा कर दिया कि ये सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना जानते हैं? बता दें कि 2014 से पहले और उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति की तुलना करते हुए श्वेत पत्र पेश किया गया। प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा कि ये ब्लैक पेपर काले टीके की तरह है, देश के विकास को बुरी नजर से बचाएगा। आज देश पिछले 10 साल में समृद्धि के नए नए शिखर सर कर रहा है। एक भव्य दिव्य वातावरण बना है, उसको नजर न रख जाए, इसलिए काला टीका करने का प्रयास हुआ है। मैं उसके लिए भी खड़गे जी का बहुत धन्यवाद करता हूँ, ताकि
इस हमारी प्रगति की यात्रा को कोई नजर न लग जाए, ये नजर न लग जाए, इसलिए आपने आज जो काला टीका किया है, मैं तो सोच रहा था सब काले कपड़ों में आएंगे, लेकिन शायद काला जादू खिसते 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 ब्लैक पेपर तक चला गया है। लेकिन सवाल तो ये है, क्या बीजेपी का व्हाइट पेपर और कांग्रेस का ब्लैक पेपर जनता को न्याय दिलाएगा, या फिर क्या ये सिर्फ चुनाव से पहले का राजनीतिक शतरंज है? ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। तो ब्लैक पेपर और व्हाइट पेपर दोनों आ गए हैं और इसी को लेकर अब सियासत गर्म हो चुकी है। सरकार का यह कहना है कि आज पेश किया जाएगा और ब्लैक पेपर कांग्रेस के द्वारा जारी कर दिया गया, उसका कहना है कि इसमें सरकार की नाकामियां हैं। अब इसमें सबसे पहले आप यह समझिएगा कि आखिर क्या व्हाइट पेपर लाना कोई कानूनी प्रक्रिया है? कोई कानूनी प्रक्रिया नहीं है, सिर्फ सरकार इसमें अपनी अच्छाइयों को बताती है, अपनी नीतियों को रखती है और जनता की राय भी मांग सकती है। कुछ ऐसे विषय भी इसमें रखे जा सकते हैं जिन पर जनता की राय मांगी जाए या जिन पर समाधान ढूंढना जरूरी हो। हमारे साथ जो मेहमान जुड़ गए उनका परिचय आपसे करा देते हैं इस मुद्दे पर जो हमारे साथ चर्चा करेंगे। खेमचंद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मोहिंदर प्रकाश हमारे साथ जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं। और महिंदर सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप तीनों का स्वागत है एमवी नेटवर्क पर। खेमचंद जी, श्वेत पत्र आ गया है या लाने की उसको कोशिश आज चल रही है, अब ऐसे में कांग्रेस का यह कहना है कि यह सिर्फ इसलिए लाया जा रहा है कि सरकार अपनी खूबियां ही बताती है, जबकि मांग तो काले धन पर हुई थी श्वेत पत्र लाने की। हेमचंद जी, जय श्री राम, आपको आवाज आ रही है सही से? बिल्कुल बिल्कुल आ रही है। देखिए, श्वेत पत्र आ रहा है ताकि जनता कंपैरिजन कर सके जी। 10 साल में यूपीए ने क्या किया और भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल में क्या किया जी। और जो विपक्ष मिस इन्फॉर्मेशन फैला रहा है, कंफ्यूजन फैला रहा है, झूठ फैला रहा है, उसको भी जनता अपनी नजरों से फैक्ट फाइंडिंग के तौर पे देख सके, फैक्ट्स को देख सके कि उस समय इकोनॉमी की कंडीशन क्या थी, उस समय रोजगार की स्थिति क्या थी, उस समय हमारे पीएसयू की स्थिति क्या थी, हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी, हमारी जो सैन्य सुरक्षा है उसके प्रति जो साधन देने चाहिए थे उसकी स्थिति क्या थी और आज क्या है, उस समय जो लोगों में एक आशा थी या पॉजिटिविटी थी उसका रेशो क्या था, आज क्या है, उस समय जो पॉलिसी मेकिंग या पॉलिसी आप कह सकते हो कि रिव्यूइंग या न्यू पॉलिसी क्रिएशन में किस तरीके का पैरेललिज्म था और आज पॉलिसी किस स्पीड से बन रही है, उनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है और उससे देश को फायदा हो रहा है। तो ये बहुत खेमचंद जी, क्या इस श्वेत पत्र में बेरोजगारी, महंगाई और काले धन पर भी उसका जिक्र भी होगा इस श्वेत पत्र में? इसमें सब कुछ जो 10 साल में हुआ और हम अपना रिपोर्ट कार्ड तो दे रहे हैं तो फैक्ट्स एंड फिगर्स सब लोग कंपेयर कर सकते हैं और कांग्रेस ने मतलब इसमें ये होगा कि उस समय पर बेरोजगारी की दर क्या थी, आज क्या है, महंगाई की दर तब क्या थी अब क्या है, काला धन कितना सरकार वापस लेकर आई, इसका जिक्र मिलेगा? श्वेत पत्र वो यूपीए के टाइम का आ रहा है, एक कंपैरेटिव रिपोर्ट नहीं आ रही। कंपैरेटिव रिपोर्ट हम और आप अभी तो आपने कहा कि जनता कंपेयर कर सकेगी कि तब क्या था और अब क्या है, तो अब आप कह रहे हैं कि कंपेयर करने के लिए रिपोर्ट नहीं आ रही। राणा साहब, अब वो जो डॉक्यूमेंट आएगा तो सबको पता चल जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है यूपीए गवर्नमेंट के बारे में है, हम क्या कर रहे हैं? बिल्कुल खेमचंद जी, मैं एक और जानकारी जरा दर्शकों को दे दूं कि श्वेत पत्र, हाँ सुन लीजिए खेमचंद जी, मैं दर्शकों को एक जानकारी देना चाहता हूं कि श्वेत पत्र पेश हो चुका है लेकिन इस पर चर्चा कल होगी। अब आप अपनी बात पूरी करिएगा खेमचंद जी। तो अब डॉक्यूमेंट आ ही गया है तो उसमें सब कुछ पता चल जाएगा, लेकिन जो डॉक्यूमेंट है वो बात करेगा यूपीए गवर्नमेंट के बारे में और हमारे बारे में। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दोनों सदनों में रखा है, अभी फाइनेंस मिनिस्टर ने रखा है और डेली हम लोग जो विकसित हमारी यात्रा चल रही है, विकसित भारत यात्रा चल रही है, उसमें हम बात कर रहे हैं, तो फिर कंपैरिजन के लिए डेटा दोनों अवेलेबल होंगे। और अभी विपक्ष भी कह रहा है कि जब हम बात करते हैं तो सिर्फ उसे अपनी उपलब्धियों की बात करते हैं, तो ऑब्वियसली हमने जो काम किया उसकी बात करेंगे हम नहीं, लेकिन जो नहीं किया उस पर भी तो बात करनी चाहिए ना। अगर कोई बच्चा पास या फेल हो उसके दोनों विषयों पर बात होनी चाहिए ना, कि हिंदी में तो मेरे 75 नंबर आए लेकिन मैथ में मैं फेल हो गया, तो फेल होने की बात ही नहीं कर रहा, मैथ का जिक्र ही नहीं कर रहा, तो वो हिंदी की बात कर रहा है तो फिर मैथ की भी करनी चाहिए उसको, बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे हाँ, तो यही 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 सवाल विपक्ष आपसे उठा रहा है कि आप उपलब्धि की तो बात करते हैं, हिंदी के एग्जाम के नंबर तो आप सबको दिखा रहे हैं लेकिन मैथ में कितने आए ये आप बता ही नहीं रहे किसी को, उस पर आप करियर छोड़िए ना, मैथ कहाँ क्या रखा है। हम तो सबके सब सब्जेक्ट में अच्छे तरीके से पास हुए, तो हमें तो छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं, कोई सा भी सब्जेक्ट नहीं है, ना डिफेंस का है, ना इकोनॉमी का है, ना रोजगार का है, ना महंगाई का है, कोई भी सब्जेक्ट ऐसा नहीं है जिसमें हम लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन थी, जिस तरीके से पिछली सरकारों ने काम किया, जिस तरीके से आज पूरे विश्व का
परिदृश्य है, कंपेरेटिव आप किसी से भी करेंगे तो उस कंपेरिजन के हेमचंद जी अनुसार अभी तो हमारी जो सिर्फ पेश परफॉर्मेंस हुआ है है, वो चर्चा डिसीजन होने की के है। बाद अगर मैं चर्चा करूंगा तो आपसे मैं पूछूंगा कि कौन कौन से मुद्दे छूटे करेंगे हैं। आपने कहा कि हम आप हर जैसे विषय में पास हुए हैं, आप जैसे इसको लेकर मैं पूछूंगा सेंटर आपसे, के साथ पक्का चर्चा मैं करने में डिबेट मजा करूंगा तो आता मैं है, पूछूंगा। जरूर करेंगे मोहिंदर जी के चर्चा, पास जा रहा हूं। कल फिर बैठेंगे। हाँ मोहिंदर जी, सफेद पेपर काला पेपर, क्या सियासत में सिर्फ यही चलता रहेगा और क्या ये पेपर ही हैं जो जनता को न्याय दिलाएंगे? नहीं, ये तो बड़ी अच्छी बात होती कि कांग्रेस के शासन जो मनमोहन सिंह जी का रहा, वैसे तो मनमोहन सिंह जी 40 साल तक इस देश के वित्त को संभालते रहे, कभी रिजर्व बैंक के गवर्नर के तौर पे, कभी प्लानिंग कमीशन के डिप्टी चेयरमैन के तौर पे, कभी फाइनेंस सेक्रेटरी के तौर पे, कभी आरबीआई के गवर्नर के तौर पे। लेकिन अगर उनके पीरियड को ये ग्रीन पेपर लेके आते, क्योंकि उसमें सब ग्रीन ही ग्रीन है, अगर मनमोहन सिंह जी के पीरियड को गिनना है तो 91 से गिनी है ना, जब देश में कुछ भी नहीं था। मैं इनकी बातों पे आता हूँ। आज अगर आप बात करें तो मोदी जी कहते हैं 80 करोड़ लोगों को मैं खाना देता हूँ वरना वो मर जाएंगे। कभी आपने मनमोहन सिंह जी के 10 साल में, पिछले 70 सालों में सुना कितने लोगों को फ्री खाना देते हैं? मनमोहन सिंह जी लाए मनरेगा, मनरेगा में लोगों को काम देकर खाना मिला, वो समाज में इज्जत के साथ अपना पैसा कमा के खाते हैं। राशन से लोगों को खाना मिला करता था, जिसमें राशन से आदमी पैसे दे करके सब्सिडाइज रेट पर अपना खाना लेकर आता था। राशन कार्ड भी कभी मिलता नहीं था, दिखाई थी कि 80 राशन करोड़ कार्ड लोगों को भी खाना मिलता खिलाया था, जाए। पीला वाला राशन कार्ड भी मिलता था। हाँ, लेकिन आज की तरह नहीं कि मैं 80 करोड़ लोगों को भीख दे रहा हूँ, ये अदर वर्ड्स में दे आर सेइंग। अच्छा, फिर इनकी बात देखिए कि 25 करोड़ लोग जो है वो गरीबी सीमा रेखा से ऊपर चले गए, लेकिन फिर भी वो 80 करोड़ लोग भूखे वही के वही है। ये विरोधाभास जो है ना, ये इकोनॉमी के अंदर इन लोगों का अज्ञान दर्शाता है। अगर ये चाणक्य को भी ढंग से पढ़ लेते तो इकोनॉमिक्स इनकी समझ में आता, मनमोहन सिंह की इकोनॉमिक्स तो इनकी समझ में नहीं आती, क्योंकि इनकी अंग्रेजी भाषा मोदी जी समझते नहीं। और ये मोदी जी का राम 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 राम, मतलब राम नाम सत्य करने पर तुले हैं और कुछ भी नहीं। अब बात में आता हूँ वाकई के ऊपर। मोदी जी ने क्या कहा था, डॉलर, आज डॉलर कहाँ पहुंच गया? वो मनमोहन सिंह जी की एज के साथ डॉलर की वो किया करते थे। आज पेट्रोल कहाँ है? ये 35 रुपए पेट्रोल देने की बात करते थे, ये GST का विरोध करते थे, ये आधार का विरोध करते थे। आज इनके सफेद पत्र में ये सारी चीजों की बढ़ाई लिखी होगी, जिनका ये चीफ मिनिस्टर के तौर पर मनमोहन सिंह जी के 10 साल के कार्यकाल के अंदर जब ये विरोध किया करते थे कि ये देश को बर्बाद कर देंगे, आज ये कैसे कह सकते हैं कि वही सारी चीजें अच्छी हो गई और ये हमारी हैं? इतना बिगाड़ा है इन्होंने, ना तो महंगाई काबू में है, हर आदमी को राम मंदिर का चस्का दिखाकर, धर्म की चाशनी या अफीम चटाकर ये अपना काम चलाते हैं। देश की इकोनॉमी का बेड़ा गर्क इन्होंने कर रखा है। बैंकिंग इंडस्ट्री को देख लीजिए, बैंकिंग में कहां सुधार है? ये बताइए, जो चोर लेकर पैसा भागे थे हिंदुस्तान से, और उनको ये वापस लाएंगे? खेमचंद जी, खेमचंद जी लौटूंगा आपके पास, मैं लौटूंगा भी। खेमचंद जी, खेमचंद जी लौटूंगा आपके पास। धर्म पे क्यों? खेमचंद जी, खेमचंद जी लौटूंगा आपके पास, बहुत सटीक आंकड़े लेकर आया हूँ आपके श्रम विभाग के, बहुत सटीक आंकड़े लेकर आया हूँ, चर्चा करूंगा उन पर अभी। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल, अभी चर्चा करूंगा उन पर। मोहिंदर जी, मोहिंदर जी को चर्चा में शामिल कर लूं मैं, दूसरे के स्थान को जोड़ सकते हैं। मैं लौटूंगा, लौटूंगा, लौटूंगा। शर्मा साहब, सुनने का वादा रखो। लौटूंगा महेंद्र जी, सुनने का वादा रखो। हाँ, महेंद्र जी के पास जा रहा हूँ, महेंद्र जी, महेंद्र जी के पास जा रहा हूँ मैं। महेंद्र जी, मैं एक एक महेंद्र दो हैं, मैं बोलूं? नहीं नहीं, राजनीतिक विश्लेषक जी के पास जा रहा हूँ मैं। आप महेंद्र प्रकाश हैं, वो सिंह है? महेंद्र जी बोले या सिंह बोले? नहीं नहीं, सिंह बोलेंगे, मैं सिंह के पास जा रहा हूँ। सिंह साहब, एक काला पेपर लेकर आ गए, एक सफेद पेपर लेकर आ गए, क्या यही दोनों पेपर हैं जो विकास का रास्ता दिखाएंगे और जो कह रहे हैं कि देश बुलंदियों पर आए, समृद्धि के शिखर को छू रहा है, तो क्या इन पेपरों से ही छुएगा? देखिए, मैं एक बात कहना चाहूंगा, मेरा नाम महेंद्र है, महेंद्र नहीं है, तो वो ठीक कर लिया जाए, महेंद्र जी। लेकिन मैं ये मानता हूँ, चाहे वो ब्लैक पेपर हो चाहे व्हाइट पेपर हो, नाम कुछ भी दे, लेकिन इस तरीके के जो दस्तावेज दोनों तरफ से, दोनों राजनीतिक दलों की तरफ से, सरकार की तरफ से और विपक्ष की तरफ से जो जारी हो रहे हैं, मुझे लगता है कि वो एक स्वस्थ लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा है कि लोगों को कुछ मुद्दे मिलेंगे, लोगों को कुछ डेटा मिलेगा, लोगों को कुछ चर्चा के विषय मिलेंगे कि किस सरकार ने कहां क्या किया, क्या पीछे छूट गया और कौन सरकार कहां पे है, किस प्रकार से लोकहित में, लोकतंत्र के लिए काम कर रही है। लेकिन
ये कहने के बाद निश्चित रूप से इस समय ये पेपर लाना, खासकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार द्वारा और उसका एक उसके प्रतिरोध में एक व्हाइट पेपर लाना, ब्लैक पेपर लाना, ये साफ है कि 2024 के लोकसभा चुनाव की विसात बिछाई जा रही है और दोनों दल जो है वो दोनों जो पक्ष है, चाहे एनडीए हो चाहे इंडिया हो, उनकी कोशिश है कि वो अपने पक्ष में लोगों को उनकी सरकारों में क्या किया गया, आज की वर्तमान सरकार की क्या विफलताएं हैं, वो लोगों को लोगों तक एक आम जनमानस तक पहुंचाना है, पब्लिक ओपिनियन अपने पक्ष में बनाना है, चाहे वो इंडिया गठबंधन की बात हो चाहे वो एनडीए की बात हो। तो मुझे लगता है कि ये एक स्वस्थ राजनीतिक प्रक्रिया है और ऐसा होना चाहिए। और देखिए, हम कभी मैनिफेस्टोज पे चर्चा नहीं करते, हम कभी जो पार्टियों के घोषणा पत्र पे चर्चा नहीं करते, लेकिन हमें इन घोषणा पत्रों पे और इस तरीके के, चाहे व्हाइट पेपर हो चाहे ब्लैक पेपर हो, नाम आप कुछ भी दीजिए, लेकिन जो ये दस्तावेज है इस पे अगर हम एक स्वस्थ और लोकतंत्र का निर्माण करना चाहते हैं तो इस पे चर्चा होनी चाहिए और सभी वर्गों को इस पे चर्चा करनी चाहिए जी। हाँ, लेकिन हाँ। एक 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 बस ये केवल आरोप प्रत्यारोप के दस्तावेज न बन के रह जाए कि, और वो एक जो जिस वजह से संसद में संसद की भूमिका पे तमाम प्रश्न उठने लगे हैं कि वहां पे सिर्फ जो है आरोप प्रत्यारोप लगाए जाते हैं, कोई गंभीर चर्चा नहीं होती, गंभीर विमर्श नहीं होते, तो उससे मुझे लगता है कि इन पेपर्स पे गंभीर विमर्श करने की आवश्यकता है, गंभीर चर्चा करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, खेमचंद जी बड़ी गहरी बात कही है महेंद्र जी ने, और उन्होंने ये कहा कि अगर आप अपने पेपर में अपनी उपलब्धियां गिनवा रहे हैं तो उस ब्लैक पेपर से अपनी विफलताओं को भी समझें और उन्हें बेहतर करने की कोशिश करें तो शायद एक सार्थक चीजें निकल कर सामने आएंगी। मेरा सवाल अब यह है कि आपके श्रम विभाग के आंकड़े हैं 2008 से बताऊं, बेरोजगारी के आंकड़े, या सिर्फ आपके काल से बता दूं? खेमचंद जी, नहीं देखिए, आप बताएं, आप बताने के लिए स्वतंत्र हैं। हाँ, 2008 से लेकर मैं बता देता हूँ, मोटा मोटा बता देता हूँ, 2008 से लेकर 2014 तक 5.5% तक बेरोजगारी का स्तर था। 2014 से लेकर 2023 तक के आंकड़े दे रहा हूं, जिसमें 8% भी पहुंचा, और 2022 और 23 के लास्ट तक 7.33 रहा बेरोजगारी का स्तर। क्या इसका जिक्र उस श्वेत पत्र में होगा? देखिए, सबका हो रहा है, हमारी हमारी जो सो कॉल्ड आप कमियां कह रहे हैं उस पर तो बार बार चर्चा हो रही है, हर सदन के हर सत्र में चर्चा हो रही है, हर मंच पे चर्चा हो रही है। हम तो अपनी तरफ से जो हमने अच्छी चीजें की हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं, और जो आप बेरोजगारी की भी बात कर रहे हैं, इसी पीरियड में आप दूसरी इकोनॉमी को भी कंपेयर कर लें, आप अड़ोस पड़ोस की इकोनॉमी को कंपेयर कर लें, आप यूरोप की इकोनॉमी को कंपेयर कर लें, आप चाइना की इकोनॉमी को कंपेयर कर लें, आप अमेरिका की इकोनॉमी को कंपेयर कर लें। उस समय एक ऐसा पीरियड था जिसमें कोविड आया था, महामारी आई थी, जिसमें सब कुछ ठप हो गया था। अगर आप उस पीरियड को लोगे, उस पीरियड को आप डिस्काउंट नहीं करोगे, तो ये तो कंपैरिजन एप्पल टू एप्पल हुआ ही नहीं, ये तो एक कंपैरिजन का कोई रिपोर्ट का नहीं। हाँ, अब जो अभी बेरोजगारी है 7% आपने ऑन द रिकॉर्ड किया, उससे भी कम, और हमने बेरोजगारी पे जो वार किया है 360 डिग्री किया है। हम सिर्फ जॉब, क्योंकि जॉब आप सबको दें ये पॉसिबल भी नहीं है, लेकिन हाँ, आप सबको काम दे सकते हैं, आप सबको खड़ा कर सकते हैं, आप सब। लेकिन ये आंकड़े तो मैं 2023 के लास्ट के बता रहा हूँ आपको। कोई बात नहीं, आप 23 के बता रहे हैं, 2024 के जनवरी के आंकड़े भी 6.57 हैं। तो 6.57 हैं तो बेटर हुए ना, 7 से 6.57 बेटर हुए, अभी जो नए आंकड़े आएंगे। नहीं, लेकिन आप जिस सरकार को, जिस सरकार को आप नाकामी जिसकी गिना रहे हैं, उसके समय पे तो 5.5 थी मैक्सिमम। तो 5.5 थी और अभी अब 6.5 से प्लस है। आप सुनिए ना, तो 10 साल में कितनी हमारी पॉपुलेशन बढ़ी है, और जो कोविड महामारी है उसका भी। हेमचंद जी कैसे तर्क दे रहे हैं आप? ये पॉपुलेशन तो तब भी बड़ी होगी ना। मेरे को देने दें, ठीक है? आपने सवाल पूछा तो लेट मी कंप्लीट प्लीज, नहीं तो बात ही नहीं हो पाएगी। आपने कांग्रेस के मित्र को बोलने दिया है, आपने मैंने उनको भी काउंटर किया था, आपको भी करूंगा। बोलने दीजिए, काउंटर करना आपका काम है, लेकिन एक बार बात तो रखने दें, फिर काउंटर करें। वो कह रहा है कि हम सिर्फ तू में लगे हुए, मैं बात ही नहीं ले पा रहा। बात क्या है, अभी अगर कोविड के बावजूद, कोविड की महामारी के बावजूद अगर हम अंडर 6% आज बेरोजगारी है,
तो ये तो बहुत अच्छी सिचुएशन है। और इसमें भी बहुत सारे जो हम लोगों ने 40 करोड़ हमने मुद्रा लोन दिए उसके माध्यम से जो एंटरप्रीनियर बने जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं उनको भी पूरी तरीके से इसमें कंसीडर नहीं किया गया है। और अभी जो हम लोगों ने इस साल जो प्लान किया है 11.11 लाख करोड़ रुपीज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर पे इन्वेस्टमेंट होगा, और उससे जो चारों ओर काम धंधे बढ़ेंगे, उससे जो जॉब्स बढ़ेंगे, उससे जो हैपनिंग्स होंगी, ये सब चीजें दूर होंगी। जहां पे हम लोग 100% इम्पोर्ट करते थे वहां इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम में $20 बिलियन से ज्यादा हम लोगों ने एक्सपोर्ट किया है। हम डिफेंस यहाँ 100% इम्पोर्ट करते थे, आज हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं और अपनी जरूरत की चीजें अपने यहाँ पे बना रहे हैं। तो ये मेक इन इंडिया के तहत हम लोग जो कर रहे हैं उससे सिग्निफिकेंटली हमारा जो जो प्रॉब्लम है एम्प्लॉयमेंट का वो दूर होगा। और हम सिर्फ शॉर्ट टर्म नहीं सोच रहे, हम लॉन्ग टर्म सोच रहे हैं। 1 लाख करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे हुआ है, हर फील्ड में वहाँ पे जॉब क्रिएट होंगी, फ्यूचरिस्टिक जॉब क्रिएट होंगी, और हमारा देश आगे प्रोग्रेस करेगा हर फील्ड में, मतलब मीडिया में भी, डिफेंस में भी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट में भी, एजुकेशन में भी, फार्मिंग में भी। बिकॉज उन चीजों पे अगर पहले पहले ठीक काम है, हुआ ठीक होता तो है, शायद ठीक है। हम एक और और सवाल, चीजें एक और आगे सवाल, बढ़ते, खेमचंद कभी जी, बढ़ एक और पाए। सवाल, खेमचंद जी, एक और सवाल। 2014 13-14 में प्रधानमंत्री का एक बयान था, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे, कि 100 दिन में काला धन लेकर आऊंगा। 10 साल बीत गए हैं, कितना काला धन आया? काला धन आप कहेंगे कि भी 15 लाख काला नहीं, मैं 15 लाख के, देखिए आया है। वो बयान मैंने पूरा सुना है, इसलिए मैं वो ऐसी ऐसी बयानों पर जिक्र नहीं करता हूं। मैं वो तोड़ काला मरोड़ धन के पेश आया किया है गया था उसका जिक्र नहीं करूंगा मैं, लेकिन जो काला धन था जिसका जिक्र होता था कि विदेशों में इतना पैसा है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। कितना वापस आया उसमें से, या कितने देखिए, काला धन वाले लोग जेल में गए? काला धन पे 3-4 जो बड़े एक्शंस हुए हैं वो आपने भी देखे। एक जो कैश में ट्रांजेक्शन होती रही हैं, आज कैश की ट्रांजेक्शन ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देखेंगे ना के बराबर होने लग गई हैं। मैक्सिमम ट्रांजेक्शन डिजिटल हो रही हैं, ऑनलाइन हो रही हैं। तो डिजिटल और ऑनलाइन ट्रांजेक्शन को ट्रैक किया जा सकता है, मॉनिटर किया जा सकता है। ये एक सिग्निफिकेंट अचीवमेंट है जिससे काले धन पे रोक लग रही है, नंबर एक। नंबर दो, डिमोनेटाइजेशन हुआ। डिमोनेटाइजेशन के बाद आपने देखा जो हमारे अड़ोस पड़ोस के देशों पर जो इफेक्ट हुआ, जो उनकी इकोनॉमिक क्रैश लेकिन हुई, क्योंकि खेमचंद जी, जो आंकड़ा पैरल इकोनॉमिक आरबीआई का चल रही कहता है, थी। वो ये कहता है कि लगभग 99% या 98% के आसपास नोट वापस आए हैं, तो केवल दो परसेंट वो बिल्कुल दो राणा साहब, परसेंट नोट ही थे बिल्कुल जो ब्लैक मनी थे। राणा साहब, यही कहा ना, वो किसके लिए कहा? लीगल टेंडर्स के लिए, जो इलीगल टेंडर्स पैरेलल इकोनॉमी में चल रहे थे उसके बारे में भी तो बोला ना, 35 से 40% इलीगल टेंडर्स जो इकोनॉमी में चल रहे थे, तो उनको तो बैंक्स वापस नहीं लेंगे, वो तो वापस बैंक में नहीं आए, वो तो खत्म हुआ ना। जो फेक करेंसी चल रही थी पूरे भारत में, जिससे इकोनॉमी हमारी पूरी तरीके से चरमरा रही थी, और हमारे जो अड़ोसी पड़ोसी हैं या फिर हमारे जो देश के दुश्मन हैं वो उसमें प्रॉस्पर कर रहे थे, और हमारी ठीक इकोनॉमी है, को चलिए नुकसान हो रहा चलिए, था एक और जवाब दीजिए। जो जो वो। काला धन था वो और कितना वापस आया? ये तो रोकने की बात होगी, वापस कितना आया? मैं उस पर एक सवाल चाहता हूँ, बस उस पर आप जवाब दे ऐसे दीजिए सीधा मुझे। सीधा 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 नहीं समझ में आएगा। मैं आपको बताऊं, लाखों कंपनियों को जो फेक कंपनियां थी जिनके माध्यम से काला धन बाहर शिफ्ट होता था, उनको हमने बंद किया, जो नहीं, इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट खेमचंद जी, वो पे तो मैं कह रहा हूं कि ये अनआइडेंटिफाइड रोकने के उस काम पे किए आपने, ने, मैं कह रहा हूं जो था वो वापस कितना आया, मैं ये पूछना चाहता हूं वो बस। आपको डॉक्यूमेंट बता देगा। मैं एक नंबर्स नहीं देना चाहता, मैं आपको प्रोसेस बताना चाहता हूं जिसके थ्रू हम लोगों ने ठीक कंट्रोल है किया है, मोहिंदर जी, जो पहले कंट्रोल ठीक है नहीं ठीक है था। ठीक है मोहिंदर जी, वो कह रहे हैं कि हमने रोजगार दिया है, अगर हमने सिर्फ नौकरी नहीं दी, रोजगार दिया है। प्रकाश जी, मोहिंदर प्रकाश जी, आपसे सवाल है जी जी। नहीं सर, मैं जो कहना चाहता हूँ, ये हमारे खेमचंद शर्मा जी थोड़े से इमेच्योर हैं, इनको जानकारी नहीं है। मोदी जी ने कहा था जो स्विस आपको बैंक ज्यादा में काला मैच्योर धन है, छिपा है, इसीलिए अगर वो इसीलिए देश में आपको आ इसी जाए तो जो पंद्रह है पंद्रह वो लाख हर धारा आदमी को बोल रहे हैं। मिलेंगे। आप 70+ हो गए हैं, अगर मैं मैच्योर हूं तो आप 70+ होके आप उस स्थिति में ठीक है पहुंच ठीक गए हैं है जहां महेंद्र पे जी, आप ठीक है, अपनी बात समय पे मेरे आप पास इस कम है, तरीके समय से मेरे कह पास कम है सकते हैं। महेंद्र जी, महेंद्र दूसरा जी, महेंद्र आपकी सिंह जी, महेंद्र एफिशिएंसी सिंह जी, खत्म हो गई। महेंद्र सिंह जी, जी सरकार की हाँ, सिर्फ उपलब्धियां गिनवाते खेम रहना, क्या सरकार को यह नहीं सीखना चाहिए कि अगर खेमचंद विपक्ष भी कुछ कह रहा है और कुछ कमियों पर बात कर रहा है तो उनको भी थोड़ा सा समझा जाए और उस पर सुधार किया जाए? नहीं, देखिए निश्चित रूप से, जी और लोकतंत्र इसी पे आधारित है कि जो कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है उसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन हमारी जो राजनीति है, जो चुनावी राजनीति है, उसमें हमने देखा है कि कोई भी राजनीतिक दल जो आरोप है उनको स्वीकार नहीं करते हैं, और वो
जैसे आप देखिए कि निश्चित रूप से चाहे आधार हो, चाहे डीबीटी हो, चाहे फूड सिक्योरिटी एक्ट हो, इन सब की बात है, इन सब की शुरुआत जो है यूपीए में हुई और उसी के बेसिस पे, उसी के फाउंडेशन पे आज विश्व की सबसे बड़ी खाद्य योजना भारत संचालित करने में समर्थ है। बिल्कुल बिल्कुल, शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए। लेकिन अब ऐसे में श्वेत पत्र पेश कर दिया गया है, कल उस पर चर्चा होगी। अब देखना होगा कि सरकार आखिर किन किन मुद्दों के साथ उस श्वेत पत्र को पेश किया है और कौन कौन सी उपलब्धियां गिनवाती है और काला पत्र के आधार पर जवाब कांग्रेस किस तरह से देती है, किस तरह से विरोध करती है, ये देखना होगा। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमवी नेटवर्क। नमस्कार।